हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट संख्या 30 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज की गई है। सो, आज का हमारा विषय रहेगा त्रिभुज के कुछ गुण। सो, हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में, परंतु उससे पहले हमें सर्वांग समता की कुछ कसौटियों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि थी वर्कशीट संख्या 29 के लिए। सो, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं वहाँ से। अब बच्चों हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों के हम सिद्ध करते हैं। प्रमेय हमारा क्या रहेगा? सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये बताना है समद्विबाहु मीन्स ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC गिवन है, जिसमें ए बी भुजा बराबर है AC भुजा के। तो हमें सिद्ध करना है उनके सम्मुख कोण जो कि B और C है, हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C है। हमें एक रचना करनी होगी उससे पहले। जैसा कि देख सकते हैं शीर्ष बिंदु A को सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु DC आपको मिलाना है। आपने मिला दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं शीर्ष बिंदु A को बिंदु D से मिलाया, जहाँ D BC का मध्य बिंदु है। अब देखिए प्रूफ में आप देखते हैं, उत्पत्ति आप देखते हैं, तो हमें क्या हमारे पास क्या मिल जाता है? हमें दो त्रिभुज मिल जाती है, एक त्रिभुज ABD है और एक से BDA है, और उसी प्रकार से ACD और एक से ADC हमारे पास दो त्रिभुज मिल जाती है, जिसमें हमें दिया हुआ है AB बराबर है AC, BD बराबर है DC और CD यू कैन से रचना से, क्योंकि D हमारा मध्य बिंदु है तो BD बराबर हो जाएगा DC के। AD उभयनिष्ठ है और सांझी भुजा आप कह सकते हैं। AD आपके पास क्या है? सांझी भुजा है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज BAD सर्वांगसम है त्रिभुज CAD के। किस नियम से? भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम के द्वारा। अतः हमें मिल जाता है कोण ABD दिस कोण एंड ACD दिस वाला कोण। आपका ये कोण मिल जाते हैं। किस नियम से? CPCT से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा आपको मिल जाते हैं कोण ABC इक्वल्स टू कोण ACD। हम ABD को हम कह सकते हैं कोण B और ACD को कह सकते हैं कोण C। इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने सिद्ध कर दिया है। इसका प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इस प्रमेय का विलोम भी आप देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। याद रखेंगे, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। जैसा कि नेम से पता लग रहा है समबाहु समान भुजाओं वाली त्रिभुज, जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। आइए इन प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हम हल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में हमें एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें AB भुजा बराबर है AC भुजा। भुजा BC पर हमें क्या है? दो बिंदु D और इस प्रकार से दिए गए हैं कि जो BE आपकी है, ये BE आप इसके बराबर है, CD के बराबर है और आप कह सकते हैं DC के बराबर है। तो हमें दर्शाना है, हमें प्रूव करना है कि AD बराबर है AE के। AD आपकी ये वाली साइड है और AE आपकी ये साइड है। हमें बराबर सिद्ध करना है इनको। आप देख सकते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एंड ACE के अंदर आप दो त्रिभुज ले लीजिए। हमें AB बराबर AC दिया हुआ है एंड एंगल C बराबर एंगल B, ये बराबर क्यों है? आप देख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यही हमारी आज की प्रमेय थी। सम्मुख भुजाओं जो बराबर भुजाएं उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण D हो जाएगा। अब देखिए BE बराबर है किसके? CD के। BD और CE बराबर है तो हम इसमें से क्या है, BE में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए DE दोनों में कॉमन आ रहा है, DE घटा दीजिए दोनों तरफ से। दोनों तरफ से DE घटाने पर हमें क्या मिल जाता है? BE माइनस DE, इधर CD माइनस DE, हमें मिल जाता है BD इक्वल्स टू CE। हमें ये BD और CE बराबर मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। किस नियम से? देख सकते हैं भुजा कोण और भुजा नियम से। आप कह सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम या साइड एंगल साइड नियम द्वारा ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं जो आपकी भुजाएं बची हुई हैं हमारे पास AD और AE, ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी बाय CPCD। AD बराबर AE बाय CPCD। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। हम बढ़ते हैं हल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
हमें यह बताना है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसके तीनों कोण भी समान होते हैं और प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 डिग्री होता है। सो क्योंकि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः हम कह सकते हैं तीनों भुजाएं क्या है बराबर माप की हैं। सो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब क्योंकि ए बी बराबर है बी सी तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, ए और सी हमारे पास क्या बराबर हो जाएंगे। सो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः हमें मिल जाता है कोण सी बराबर कोण ए। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं बी सी बराबर ए सी। अब आप ये रिलेशन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि बी सी का सम्मुख कोण आपके पास ए कोण है और ए सी का सम्मुख कोण आपके पास बी कोण है, तो ए और बी कोण भी बराबर हो जाते हैं क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सो अब आपके पास देखिए दो समीकरण बन जाते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो। आप देखते हैं फर्स्ट समीकरण में आप देखते हैं कोण सी बराबर कोण ए है और दूसरे समीकरण में आप देखते हैं कोण ए बराबर कोण बी है, तो हम कह सकते हैं समीकरण एक व दो से हमें क्या मिल जाता है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। सो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में आप देखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है 180 डिग्री का होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सो अब देखिए कोण ए को आप कोण ए ही लिखेंगे, कोण बी को आप ए लिख देते हैं और कोण सी को भी आप ए लिख देते हैं। सो हमें क्या मिल जाता है 3 टाइम्स कोण ए बराबर है 180 डिग्री। सो ये 3 से आप डिवाइड कर देंगे राइट साइड में आकर, सो 180 बटा 3 हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। सो कोण ए का मान मिल जाता है 60 डिग्री, अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है 60 डिग्री का। सो हमें तीनों डिग्री कोण का मान मिल जाता है 60 डिग्री, अतः हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ और हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। सो हमें बताना है हमें त्रिभुज ए बी सी गिवन है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सो ए सी भुजा का सम्मुख कोण है ए बी सी एंड ए सी भुजा का ए बी भुजा का सम्मुख कोण है ए सी बी। सो ये कोण हमें बराबर मिल जाते हैं। सो आप कह सकते हैं ए सी बी बराबर है ए बी सी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब आप देखिए ए सी बी को आप क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ए सी बी इसको आप लिख सकते हैं ई सी बी। सो हमने ई सी बी राइट कर दिया। उसी प्रकार से आप ए बी सी को क्या राइट कर सकते हैं एफ बी सी राइट कर सकते हैं, तो हमने एफ बी सी राइट कर दिया। सो याद रखेंगे कि ए बी सी बराबर है ए बी सी ए सी बी, या आप कह सकते हैं एफ बी सी बराबर है ई सी बी। सो अब देखिए त्रिभुज बी एफ सी तथा बी ई सी में हमें क्या मिल जाता है दो कोण बराबर मिल जाते हैं, बी एफ सी बराबर बी ई सी प्रत्येक 90 डिग्री का है क्योंकि हमें शीर्ष लंब दिए गए हैं। एफ बी सी बराबर ई सी बी अभी भी हमने प्रूव किया है सिद्ध किया है समीकरण एक में, और बी सी बी सी क्या है हमारी सांझी भुजा है उभयनिष्ठ भुजा है, इसको आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। सो सांझी भुजा कह दीजिए या उभयनिष्ठ भुजा कह दीजिए। सो त्रिभुज बी सी एफ जो है सर्वांगसम हो जाती है त्रिभुज सी बी ई के बाय कोण कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के द्वारा या एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम के द्वारा, अतः हम कह सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ बी ई। सो सी एफ और जो बी ई शीर्ष लंब है वो क्या है हमारे बराबर हो जाएंगे बाय सी पी सी डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, यही हमें सिद्ध करना था। सो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ हैं, हमें त्रिभुज ए बी और ए सी जो इसकी दो भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु ई और एफ गिवन है। सो देखिए अगर ए बी बराबर है ए सी के तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हम कि जो इनका हाफ हाफ होगा इनका आधा आधा मिल जाएगा वो भी हमें बराबर मिल जाएगा, दैट इज़ बी इक्वल्स टू सी एफ हम कर लेंगे। सो देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है ए बी बराबर है ए सी, सब ए बी बराबर ए सी में दिया गया है। सो देखिए इनके सम्मुख कोण जो कि आप देख सकते हैं ए सी बी बराबर ए बी सी हो जाएगा, सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। सो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। सो देखिए ए सी बी, ए सी बी को आप क्या राइट कर सकते हो एफ सी बी। सो ए सी बी को आप राइट कर दीजिए एफ सी बी और ए बी सी को राइट कर देंगे ई बी सी। सो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अब क्योंकि ई और एफ भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं जब ए बी बराबर है ए सी के तो ए बी का देखिए है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी हमने कर दिया, ट्वाइस ऑफ बी ई कर दिया, ए बी को आप क्या राइट कर सकते हो ट्वाइस ऑफ बी ई, सो ट्वाइस ऑफ सी ई। सो देखिए टू टू हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाता है बी ई इक्वल्स टू सी एफ। सो हमें मिल जाता है बी ई बराबर सी एफ मिल जाता है। अब दो त्रिभुज ले लीजिए त्रिभुज बी ई सी और बी सी एफ में
हमारे पास क्या है, ई बी सी बराबर है एफ सी बी, समीकरण एक में हमने सिद्ध कर दिया। बी ई बराबर है सी एफ, समीकरण दो में सिद्ध हो जाता है। और बी सी बी सी सांझी भुजा है या उभयनिष्ठ भुजा है, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज सी बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ के बाय भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के द्वारा या एस ए एस नियम के द्वारा। सो अतः हमें मिल जाती है सी ई बराबर भुजा बी एफ सी पी सी टी के द्वारा, जो कि है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंगनेंट ट्रायंगल। जो त्रिभुजें सर्वांगसम हो चुकी है उनकी संगत जो पार्ट्स है संगत अंग है वो बराबर होते हैं। सो अतः हमें सी ई बराबर बी एफ मिल जाता है, यही हमें सिद्ध करना था। सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।